सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टॉक मार्केट रिलेटेड टिप्स सबसे पहले पाने के लिए। आज इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट क्रैश करने के बाद हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पहले पोर्टफोलियो स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम इसका डिटेल इवैल्यूएशन करेंगे, इसके बाद हम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और फाइनली हम कुछ एक्शन स्ट्रैटेजीज के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर वन, लुक इनटू पोर्टफोलियो स्टैटिस्टिक्स। पहले आपको अपने पोर्टफोलियो में मौजूद स्टॉक्स को लिस्ट आउट करना चाहिए, इसके बाद इस बार प्लॉट की तरह आपको उन सब को प्लॉट करना चाहिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किन किन स्टॉक्स में आपने कितना होल्डिंग बना रखा है। इसके बाद आपको ऐसे ही एक पाई चार्ट क्रिएट करना है, जिससे आपको ये पता चलेगा आपने कौन से सेक्टर में कितना होल्डिंग बना रखा है। इसके बाद आप ऐसे ही एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें पहले कॉलम में आपको सेक्टर का नाम लिखना होगा और दूसरे कॉलम में आपको परसेंटेज वेटेज लिखना होगा। उसके बाद आपको तीसरे कॉलम में उस सेक्टर का परफॉर्मेंस वाइज आपका कॉन्फिडेंस लेवल लिखना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने पहले दो सेक्टर के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल को हाई मेंशन किया हुआ है और लास्ट दूसरे तीसरे और चौथे सेक्टर के लिए हमने कॉन्फिडेंस लेवल को लो लिखा है। तो आप ऐसे ही मेंशन करके अपना एक टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। टिप नंबर टू, इवैल्यूएट योर स्टॉक्स। इसके लिए आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल, कैश इनफ्लो आउटफ्लो, FII और DIIs का इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग और प्रमोटर्स का शेयर प्लेजिंग को चेक करना होगा। इसके बाद आप कंपनी का अपकमिंग प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च के बारे में भी चेक कर सकते हैं, अपकमिंग पार्टनरशिप्स और बिजनेस डील्स के बारे में भी आपको चेक करना होगा। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आने वाले टाइम फ्रेम में इस स्टॉक में कितना उछाल आ सकता है। टिप नंबर थ्री, स्टॉक एनालिसिस। इसके लिए आपको इस टेबल के ऊपर नज़र बनाए रखनी होगी। जिस सेक्टर को आपने ज़ीरो रेटिंग दिया हुआ है, उन सेक्टर में आपका पोर्टफोलियो का वेटेज को आपको चेक करना होगा। अगर ये परसेंटेज 10 के आसपास होता है तो आपको मार्केट में आने वाले बाउंस बैक के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, और अगर ये 20% के आसपास होता है तो आपको एट ए टाइम 1% के हिसाब से अपना स्टॉक्स को बेचना चाहिए, ताकि आप उस मनी को रिकवर कर पाएं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ आपको इंट्राडे ट्रेड सेटअप के अलावा पर्सनल फिनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑनलाइन अर्निंग और इंट्राडे स्ट्रेटजीज के ऊपर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ आपको मार्केट अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। टिप नंबर फोर, एक्शन प्लान्स। एक्शन नंबर वन, डू नॉट पैनिक। अगर आप मार्केट के करेक्ट होने के टाइम पैनिक हो जाते हैं, तो आप इस वजह से कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं और आप नियर बॉटम प्राइस पे अपने शेयर्स को बेच के अपना पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। एक्शन नंबर टू, रेजिस्ट द अर्ज टू सेल। अगर आप इस बेयरिश कंडीशन में सेलिंग करने का सोच रहे हैं तो ये गलत साबित हो सकता है, क्योंकि बेयरिश मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स एक वेरी अट्रैक्टिव प्राइस वैल्यू पे अवेलेबल होते हैं, तो इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा इनकम निकाल सकते हैं। तो आपको इस वजह से थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर वो स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है तो वो कुछ ही दिनों में पुल बैक करेगा और आपको एक अच्छा खासा मुनाफा दे जाएगा। एक्शन नंबर थ्री, कंसिडर बाइंग स्टॉक्स ऑन सेल। आपको ऐसे ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जो कि फंडामेंटली अच्छा हो और जिनका बिजनेस प्लान भी अच्छा हो और वो सब एक फेयर वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो। उन स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके
एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। एक्शन नंबर 4, कंसीडर रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो। स्टॉक में पुलबैक होने के बाद आपको अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा सा नज़र बनाए रखना होगा और आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स में फेरबदल भी करना होगा। आपको फंडामेंटली वीक स्टॉक्स को निकाल के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। Stay tuned for more videos and don't forget to like, comment and share on this video.